जैसे कि आज मदर्स डे है, तो आज मोटिवेशन का भी टॉपिक, इससे अच्छा क्या हो सकता है मदर्स डे पे? तो एक छोटा सा स्टोरी बता रहा हूँ अपने लाइफ से रिलेटेड। अगर आपको जेन्युइनली समझना है कि आपके सक्सेस के पीछे, आपकी सक्सेस के लिए और आपके लिए ये अटेम्प्ट कितना इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। 2018 की बात है जब मैं CA Final के एग्जाम्स दे रहा था, मतलब 2018 की बात है। वैसे मैं एग्जाम क्लियर किया हूँ मई 2019 में, 2019 का मैं पास आउट हूँ। तो 2018 में सेम मदर्स डे जैसे जैसे अभी है वैसे आया था। मैंने मेरी मम्मी को पूछा था, मम्मी हैप्पी मदर्स डे, आपको क्या गिफ्ट चाहिए? तो मम्मी ने कहा गिफ्ट विफ्ट तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं बोला मम्मी कुछ तो बोल दो, आपके लिए कुछ ऑर्डर कर दूंगा। तो मम्मी ने मुझे कहा बेटा सिर्फ एक ही गिफ्ट चाहिए, तू अपना 100% दे और जल्दी से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जा। ठीक है, मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया, मम्मी मैं पक्का बन जाऊंगा, जब मेरा एग्जाम होगा मैं अपना जी जान लगा दूंगा। जब मैं CA बन गया, उसके बाद 2021 में जब मैं जॉब करता था, तो मैंने मम्मी से फिर से पूछा, मम्मी अब तो मैं अच्छा खासा कमाने भी लगा हूँ, अब आप बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए? मम्मी ने बोला बेटा तू करियर में ग्रो कर, लाइफ में आगे बढ़ और हर वो मुकाम को अचीव कर जो तू कर सकता है। मैं बोला मम्मी ये तो ठीक है, ये तो मेरे लिए हुआ, आपके लिए क्या चाहिए? मम्मी बोली यही चाहिए मुझे। फिर अभी 2022 में, अभी की बात है, मैंने फिर से मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या चाहिए? तो मम्मी ने बोला डू बेस्ट व्हाट यू कैन डू फॉर द स्टूडेंट्स। आपको पता है, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं डेली रोज मोटिवेशन वीडियो डालता हूँ ना, ये मेरी मम्मी भी देखती है और ये वाला वीडियो भी मम्मी देखने वाली है। किसी दिन वीडियो लेट डल जाता है, मम्मी को दिखता नहीं ना, पूछती है फोन में बेटा वीडियो नहीं डाला आज बच्चों के लिए, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? गाइस एक चीज बता रहा हूं, कुछ पॉइंट के बाद आपके पेरेंट्स के गोली चेंज हो जाते हैं। पेरेंट्स का सिर्फ ये गोल है कि भाई मेरा बेटा मेरी बेटी जो है ना वो अपना सपना पूरा करे, और उसके लिए पेरेंट्स जो कुर्बानी बोलोगे वो देने के लिए तैयार है, जो कुर्बानी बोलोगे वो देने के लिए तैयार। आप समझ रहे हैं, पेरेंट्स भगवान से भी अगर कुछ मांगते हैं तो वो आपके लिए मांगते हैं। द रीजन इज क्वाइट सिंपल गाइस, इससे ज्यादा आपको मोटिवेशन क्या चाहिए? कभी कभी मैं मम्मी से भी ये पूछ लेता हूँ कि मम्मी आप हमेशा हमारे लिए ही बोलती हो, हमारे लिए ही पूछती हो। तो मम्मी बोलती है कि मेरे लाइफ का पर्पस ही अब वही है, आई डोंट हैव एनी अदर गुड रीजन टू लीव, यू आर द गुड रीजन बिकॉज ऑफ विच आई एम लिविंग, यू आर द गुड रीजन बिकॉज ऑफ विच आई एम वर्किंग डे एंड नाइट, एंड फॉर देम यू नीड टू वर्क हार्ड। एंड ऑल्सो गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस, एक दो दिन में जब भी आपको टाइम मिले ना, एक छोटा सा काम कर देना, अपने पेरेंट्स को थैंक यू जरूर बोल देना, और ये बोलना कि मम्मी पापा मैं आपके वो हर वो सपने, हर वो मुकाम अचीव करके दिखाऊंगा, और हो सके तो उनको टाइट हग कर लेना। बिकॉज मैं ये चीज बता रहा हूँ गाइस, लाइफ में कोई रहे ना रहे तुम्हारे साथ, तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, काफी बार तो मम्मी पापा आपके लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, क्या खाएगा बताओ, आपके हिसाब का खाना बन रहा होगा अभी घर पे। आपके लिए मॉम डैड कोशिश करते हैं कि टीवी ना देखें, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी अपना 100% दें और अपने मम्मी डैडी को जाके जरूर बोले आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड। सोचिए नहीं, बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट एंड यू नीड टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। सो लेट्स गाइस, लेट्स फोकस ऑन आर एग्जाम्स, लेट्स गिव आर बेस्ट, एंड रिमेंबर वन थिंग, यू आर गोइंग टू गिव योर 100%।